हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी तार होती है, जैसे हमें पता है कि कोई भी तार है वो उसको ऐसे बताया जाता है कि 1 mm स्क्वायर की है या 2 mm स्क्वायर की है, तो जो कितने mm की तार कितने एम्पेयर तक करंट ले सकती है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमें पता नहीं होता है कि मान लीजिए हमने पंखा लगाना है, लाइट लगानी है, फिर चाहे हमने कूलर लगाना हो, एसी लगाना हो, ऐसे ही हीटर लगाना हो, तो उसके लिए हम कितने एमएम की तार का यूज करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि कितने एमएम की तार कितने एम्पेयर तक करंट ले सकती है, मतलब कितने एम्पेयर तक लोड ले सकती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कॉपर वायर की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में अवेलेबल जो कॉपर वायर्स हैं वो हमारे पास होती है 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, ऐसे ही हमारे पास होती है 2.5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, उसके बाद आ जाती है हमारे पास 6 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर। दोस्तों, नॉर्मली घरों में मैक्सिमम 10 mm स्क्वायर तक तार का यूज किया जाता है, बट आज के इस वीडियो में हम 25 mm स्क्वायर तक तार की बात करेंगे, 16 mm स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है 25 mm स्क्वायर की तार, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों इस वीडियो में इन सभी साइज की वायर्स के बारे में बात करेंगे कि इतने साइज की वायर्स कितना अम्पेयर तक लोड ले सकती है, और इन वायर्स का यूज हम कहां कहां कौन से अप्लायंसेस पे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बात हमें याद रखें कि मैं कॉपर वायर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं एल्यूमिनियम वायर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे जो इजी फंडा है वो ये है कि जो 1 mm की वायर है वो 4 से 6 गुना तक करंट लेती है। मतलब मान लीजिए अगर आपका किसी भी वायर का जो डाया है, मतलब डायमीटर है वो, या एरिया है वो 1 mm है, 1 mm स्क्वायर है, तो वो 4 से 6 गुना, मतलब 4 गुना 1 करेंगे तो 4, ऐसे ही 6 गुना 1 करेंगे तो 6, इतने अम्पेयर तक करंट ले सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम 1 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 4 अम्पेयर, और ऐसे ही जब 6 से गुना करेंगे तो ये आता है 6 अम्पेयर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 1 mm स्क्वायर की वायर है, ये 4 अम्पेयर से लेकर 6 अम्पेयर तक करंट ले सकती है। अब दोस्तों, इसमें एक बात और आती है कि जैसे जैसे वायर का साइज भी बढ़ रहा है और हमारी लेंथ बढ़ेगी, तो ये इसमें 2% जो होता है जो वोल्टेज ड्रॉप आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये वोल्टेज ड्रॉप है, इससे क्या होगा, वायर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। कि मान लीजिए अगर आपके पास 230 वोल्ट पहुंचा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण 230 वोल्टेज नहीं पहुंचेगी, थोड़ी कम पहुंचेगी। तो इसलिए हम इसका मान के चलते हैं कि 2% अगर हम वोल्टेज ड्रॉप भी लगाते हैं, तो 4 से जैसे 6 एम्पीयर दिया है, तो सेंटर में मान ले तो 1 mm स्क्वायर की वायर है वो 5 एम्पीयर तक लोड इजीली ले सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि 1 mm स्क्वायर की जो वायर है वो कितना लोड ले सकती है, 5 एम्पीयर तक, ठीक है जी। अब दोस्तों, बात आती है इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी 1 mm स्क्वायर की वायर है वो हम घरों में जो लाइटिंग सर्किट्स होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई हम लाइट चलाते हैं, उसके लिए हम इस वायर का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 1.5 mm स्क्वायर की वायर का। तो सिंपल, आपको फिर से क्या करना है, अब 1.5 को गुना करना है 4 से, और ऐसे ही 1.5 को गुना करना है हमें 6 से। तो दोस्तों, जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 एम्पेयर से 9 एम्पेयर तक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 1.5 mm स्क्वायर की वायर है वो 6 से 9 एम्पेयर तक करंट ले सकती है। अब फिर से हम इसमें जब 2% वोल्टेज ड्रॉप जोड़ेंगे, तो इसका अगर हम सेंटर माने तो ये 8 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारी 1.5 mm स्क्वायर की वायर है उसका यूज हम फैन सर्किट के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही एग्जॉस्ट फैन हो गए, जैसे मान लीजिए अब कूलर वगैरह हो गए, ठीक है जी, टीवी वगैरह हो गए। तो इन चीजों का जब यहां पर हमें यूज करना है, तो वहां पर हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही जब 2.5 mm स्क्वायर की वायर की बात आएगी, तो सीधे 2.5 को हम गुना करेंगे 4 से, और ऐसे ही 2.5 को 6 से गुना करेंगे। अब दोस्तों, मैं 4 और 6 से गुना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक रेंज बन जा रही है, ठीक है। जैसे अब इसे हम अगर गुना करते हैं तो ये आता है 10 एम्पीयर से लेकर 15 एम्पीयर तक। तो इसका मतलब ये है कि जो 2.5 mm स्क्वायर की वायर है वो 10 एम्पीयर से लेकर 15 एम्पीयर तक करंट ले सकता है। मतलब कोई भी डिवाइस जो इस रेंज में करंट कैरी करे, तो उसके लिए हम 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 2% इसका वोल्टेज ड्रॉप माने, तो अगर हम सेंटर में रखें तो 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज हम कर सकते हैं, अगर 12 एम्पेयर तक कोई भी डिवाइस लेता है। दोस्तों, लेने को हम 15 एम्पेयर तक भी इसका यूज कर सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम लाइफ के लिए अगर हम इसे 12 एम्पेयर तक यूज करेंगे तो इन तारों की लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब ये ज्यादा चलेंगी। अब दोस्तों, बात आती है कि जो 2.5 mm स्क्वायर की वायर है इसका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज हम
प्रेस लगाने के लिए कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने जिस सॉकेट में प्रेस लगानी हो वहां पर हम 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करें। ऐसे ही एसी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इस प्रकार से हम एसी और प्रेस के लिए 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है 4 mm स्क्वायर की वायर का, तो सीधे 4 को गुना करेंगे 4 से, फिर से 4 को गुना करेंगे 6 से, तो ये हमारी रेंज बन जाएगी 4 × 16 एम्पीयर से लेकर 6 × 24 एम्पीयर तक। मतलब 4 mm स्क्वायर की वायर है उसकी जो करंट कैरिंग रेंज है वो 16 एम्पीयर से लेकर 24 एम्पीयर तक होगी। तो 2% अगर हम वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे तो मतलब ये 20 एम्पीयर तक करंट इजीली कैरी कर लेगी, ठीक है जी। करने को ये 24 एम्पीयर तक भी करंट कैरी कर लेगी, बट इसकी बैटरी लाइफ के लिए, मैक्सिमम लाइफ के लिए, क्योंकि ये ज्यादा हीट ना हो, हम इसको 20 एम्पीयर तक चलाएं तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि इसका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं वहां जहां हमें हीटर का यूज करना हो, जैसे कि जब सर्दियां आती है तो हम हीटर चलाते हैं, तो उस सर्किट में हम 4 mm स्क्वायर की वायर को लगाएं तो अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जहां पर हमारा गीजर लगा हो, जैसे हमें पता है कि बाथरूम्स में हम गीजर का यूज भी करते हैं, तो वहां पर हम 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद अगली वायर है 6 mm स्क्वायर, तो 6 mm स्क्वायर की वायर का हम यूज कर सकते हैं, 6 × 4 करेंगे, ऐसे ही 6 × 6 करेंगे, तो फिर से हमारी करंट कैरिंग रेंज बन जाएगी। तो 6 × 4 = 24 एम्पीयर से लेकर 36 एम्पीयर तक। इसके बाद फिर से हम अगर 2% इसका वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे तो इसमें हमारा आ जाता है 30 एम्पीयर तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 6 mm स्क्वायर की वायर है वो 30 एम्पीयर तक करंट इजीली कैरी कर सकती है और इसकी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका हम यूज कहां करते हैं। तो इसका दोस्तों हम यूज करेंगे मेन बोर्ड पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहां पर मीटर लगा होता है उसके साथ ही एक एमसीबी बॉक्स बना होता है जिसमें अलग अलग सर्किट्स को कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जहां मीटर से जो मेन डीपी पे कनेक्शन किए जाते हैं उसको हम मेन वायर बोलते हैं, जो कि मेन बोर्ड में लगती है, तो वहां पर हम 6 mm स्क्वायर का यूज कर सकते हैं क्योंकि पूरे घर का लोड इसी वायर पर होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है 10 mm स्क्वायर की वायर का, ठीक है दोस्तों। अब 10 mm स्क्वायर की वायर कितना करंट लेगी वो हम फिर से कैसे निकालेंगे, 10 को हम 4 से गुना करेंगे और ऐसे ही 10 को हम 6 से गुना करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 40 एम्पीयर से लेकर 60 एम्पीयर तक। तो फिर से अगर हम 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे तो इसका हम अगर सेंटर में रखें तो 50 एम्पीयर तक करंट इजीली 10 mm स्क्वायर की वायर ले सकती है, ठीक है दोस्तों। और इसका हम यूज कहां करेंगे, सर्विस वायर पे। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घरों में बिजली के खंभे से जो वायर आती है मीटर तक, उसे हम सर्विस वायर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने कंप्लीट सर्विस वायर के बारे में बताया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो वायर खंभे से हमारे मीटर तक आएगी उसके लिए हम 10 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमम जो रेटिंग है, मतलब जो साइज है वायर्स का जो हम घर में यूज करते हैं, वो 10 mm स्क्वायर तक ही है, इसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना कोई हैवी लोड का अप्लायंस हम घर में यूज नहीं करते। अब वैसे इसके बाद जो 16 mm स्क्वायर की वायर है उसका भी सेम प्रोसीजर है कि वो कितना करंट ले सकती है। तो 16 को हम 4 से गुना करेंगे और ऐसे ही 16 को हम 6 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब यह आता है 16 × 64 एम्पीयर से लेकर ऐसे ही 16 × 96 एम्पीयर तक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी अगर हम 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, मतलब हम अगर सेंटर में ले तो 80 एम्पीयर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 mm स्क्वायर की जो वायर है वो 80 एम्पीयर तक करंट इजीली ले सकती है। इसको दोस्तों हम लार्ज लोड के लिए यूज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई आटा चक्की लगानी हो, ठीक है, तो उसकी मोटर के लिए हम 16 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आटा चक्की की मोटर है वो लगभग 25 kW इतने तक होती है, तो उसके लिए हम 16 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 25 mm स्क्वायर की वायर कितना करंट लेती है, तो फिर से हम गुना करेंगे 25 को 4 से और 25 को हम 6 से गुना करेंगे, तो ये आ जाता है 100 एम्पीयर से लेकर 150 एम्पीयर तक। तो अगर हम 2% वोल्टेज ड्रॉप रखें तो सेंटर में ये हमारे पास आ जाता है 125 एम्पीयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 25 mm स्क्वायर की वायर है वो 125 एम्पीयर तक करंट कैरी कर सकती है। तो कोई भी अप्लायंस जो इतने एम्पीयर तक लोड ले तो उसके लिए हम 25 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 mm स्क्वायर की वायर है जो वो 5 एम्पीयर तक लोड कैरी कर सकती है इजीली, मतलब अगर हम इतना लोड इस पे डालेंगे तो इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। ऐसे ही 1.5 mm स्क्वायर की वायर 8 एम्पीयर तक लोड ले सकती है और उसके बाद 2.5 mm स्क्वायर की वायर 12 एम्पीयर तक लोड ले सकती है। ऐसे ही 4 mm स्क्वायर की वायर 20 एम्पीयर, 6 की 30, 10 की 50, 16 की 80 एम्पीयर और 25 mm स्क्वायर की वायर हम 125 एम्पीयर तक लोड उस पे डाल सकते हैं। और ऐसे ही इसके सामने मैंने इसके यूजेस भी लिखे हैं कि इन वायर्स का यूज हम घरों में कौन से अप्लायंस को चलाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने इसमें कॉपर वायर के बारे में बताया है, ना कि अल्यूमिनियम वायर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।